आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ कानपुर से हैं राम नरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, सवाल करिए। मैडम मुझे गर्दन में दिक्कत रहती है। कैसी दिक्कत? गर्दन की नस दब रही है। ठीक है, और देखिए बहुत अच्छा इलाज है जिसमें दवा भी खर्च नहीं होती। गर्दन का मुझे बहुत तजर्बा, बहुत अनुभव दिया भगवान ने कि मेरी गर्दन में तकलीफ कर दी, चक्कर कर दिए, कितना इलाज करा लो लेकिन इसका इलाज है वो भी बगैर दवा के। ऐसे सीधा बैठे, ऐसे ऐसे, ये आपको रोजाना 3 मिनट करना है। एक साथ नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूँ, एक एक मिनट करके 3 मिनट ये एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे ऐसे पूरी तरह इसको मोड़िए, ठीक है। 10-11 दिन में आपकी तकलीफ कहाँ गई आप ढूंढते रह जाएंगे। दवा की ज़रूरत नहीं है, आप ये इलाज करें, भगवान पे भरोसा करें, आपको फायदा मुमकिन है जी। पानीपत से हैं राजनाथ जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बताइए, बताइए, सवाल करिए। मैडम गैस सी बनती है पेट में और कचरी झकार से आती है और बदली हमेशा बनी रहती है। आपकी उम्र क्या है? जी 35 साल। देखिए सबके नाम ऐसे हैं जैसे राजनेताओं के हो, पहले पासवान जी का फोन, अब राजनाथ जी का फोन। अच्छा देखिए 5 बार गर्म पानी पिया करें, और कोई इन्फेक्शन हो तो उसका भी इलाज करा सकते हैं अपने डॉक्टर से, वो भी ज़रूरी है। और गौन मोरिंगा सफ़ेद गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लें, आधा ग्राम से 1 ग्राम तक पानी में, नारियल पानी में मिलाकर, जैसे आपके हालात हैं रोज़ाना 1 बार पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा। ये बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। क्या नाम है? गीता कुमार। गीता जी आपका सवाल क्या है? सवाल है मैडम, हमारे घर पेशेंट है, उसके ना ददर है बहुत पुरानी, 2-3 साल पुरानी है। जब मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाती है, जब छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा हो जाती है। दर्द कहाँ पे है? दर्द नहीं, ददर। ददर ये क्या होता है? हाँ ददर ऐसे तो बेदबे होते हैं, ददोड़े होते हैं, ददोड़े। हाँ जी। लाल लाल से? हाँ जी हाँ जी। खुजली होती है जी। जी हाँ जी। और देखिए बड़ा आसान सा इलाज है, अलसी ले लें थोड़ी सी, 200-400 ग्राम अलसी खरीद कर साफ करके हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। इस पाउडर में 1 चम्मच रोज अलसी खाएं और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा मिला लिया करें, बस काफ़ी है। और पानी खूब पिएं, दिन में 2.5 लीटर पानी पिया करें कम से कम, तो आपको ठीक होना मुमकिन है। तो ठीक आप ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए नुस्खे अपनाने के साथ साथ डेली रूटीन में 5 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पीना है। देखिए दर्शकों, आपको कोई रोग है या नहीं है, लेकिन अपने डेली रूटीन में 5 ग्लास गर्म पानी का सेवन आप लोग अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा लाभ तो यहीं पर हो जाएगा। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक बात नोट डाउन कर लीजिए। क्या पता हम पेशेंट से तो बात कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे कॉल लगाते हैं उनकी कॉल नहीं लग पाती है, तो क्या पता उनके लिए भी ये कारगर साबित हो जाए। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। राम किशोर जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पाली राजस्थान से बात कर रही हूँ। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, मेरे 10 साल का पोता है। हाँ। वो जल्दी से बोलता नहीं है और मुंह से लाल टपकती है जी। कितने साल का? 3 साल का है। 10 साल का है। 10 साल? हाँ 10 साल का है।
जन्म से ही उसके मुंह से बोल सकता है और लाल टपकती है और हाथ पैर में वो जाम हुए हाथ हाथ। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है मन बुद्धि है थोड़ा? हाँ मन बुद्धि वाला है। ठीक है, तो देखिए घरेलू इलाज के तौर पर 2 अखरोट और 10 किशमिश रोजाना रात को खिलाया करें बच्चे को। अखरोट अपने हाथ से तोड़कर खिलाएं, छिलावा न लाएं। काफ़ी देर तक, काफ़ी वक्त तक खाना होगा बच्चे को, फ़ायदा बहुत धीरे धीरे होगा। बहुत सब्र आपको चाहिए, संयम चाहिए। यह माजून अखरोट प्राश आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार भी खिला सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर है, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ मैडम, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एसपी पाल बोल रहा हूँ, देवरिया यूपी से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है ना कि मेरा लड़का है 24 साल का। हाँ, तो उसके हाथ में जो सोराइसिस जो होता है ना। हाँ हाँ, तो अभी काफी दिन से चार पाँच साल से है उसमें हाथ में, तो इलाज वगैरह तो हम कराए, तो अभी एक आयुर्वेदिक दवा तो ले रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम है, बाकी बीच में होम्योपैथिक दवाई वगैरह काफी कराए हैं। अब एलोपैथ भी चला, लेकिन थोड़ा सा कभी थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर धीरे धीरे हो गया। तो अभी जैसे अभी आयुर्वेदिक दवा एक जगह से चल रहा है, तो थोड़ा उससे हल्का है, लेकिन अभी वही अभी आपके प्रोग्राम जो आता है, तो मैं बोला थोड़ा हकीम जी से थोड़ा सा लेते हैं जानकारी पूछ। ठीक है, तो देखिए यूनानी में इसका अच्छा इलाज है और ये अलसी आती है ना आपकी, अलसी को लें 500 ग्राम अलसी साफ करें और इसको हल्का सा भून लें और निकाल लें बर्तन से, और इसमें एक आता है नमक जैतून याद रखें, देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है। और ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, नमक ही लगता है, जब तक चखो नहीं तो नमक ही लगेगा, लेकिन चखो तो हल्का सा कड़वा होता है। 100 ग्राम ले लीजिए नमक जैतून, इसमें मिला लीजिए 500 ग्राम के साथ और पाउडर बना लीजिए। अब एक एक ग्राम सुबह शाम खाना है मरीज को। ये आपका 600 ग्राम मटेरियल है, शायद उसकी पूरी बीमारी के लिए काफ़ी हो सकता है। आप इसे देना शुरू करें, सोराइसिस के दानों को खुजाएं नहीं नाखून से, बल्कि उसके खुरंट अपने आप छूटने दें और तेल लगा लिया करें उन पर, ये नए दानों को आने से रोक देगा और पुरानों को दुरुस्त करके बच्चे को ठीक करने की ताकत रखता है जी। पंजाब से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है? नमस्ते जी, परमजीत है जी। जी परमजीत जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जी कि मुंह में दांत दरा कट गया, ते रोटी खाने में दिक्कत होती है, ते जेड़ी रोटी मैं खाता हूं वो मेरे पीछे जले पे लग रही है। कब कटा था आपका वो? तकरीबन 1 महीना हो गया जी। ठीक, हाँ, मुंह कटने के लिए नारियल खाएं, जितना भी खा सकते हैं। नारियल आता है ना सूखा, वो खा सकते हैं, ताज़ा नारियल खा सकते हैं। जितना खाएंगे इतना ही मुंह आपका अच्छा होता जाएगा, काफ़ी कट गया है और ये एक अच्छा इलाज हो सकता है। अपने डॉक्टर का भी इलाज ले सकते हैं आप, लेकिन ये इलाज भी काफ़ी प्रचलित है, जिसका मुँह कट जाए उसको नारियल चबा के खाने को दें तो बहुत फायदा करता है जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, संजू प्रसाद जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ सर, सवाल करिए अपना।
हाँ मेरा उम्र जो है 75 हो रहा है। हाँ सर में चक्कर आता है। चक्कर आता है 75 में भी? हाँ। आप क्या चाहते हैं चक्कर ना आए? अरे आजकल तो बच्चों को चक्कर आता है। आपका चक्कर हम दूर करने के लिए बताते हैं। आप हमें देखिए, देखिए ऐसे सीधा बैठना है, ठीक है, और ये करते रहिए आप, एक एक मिनट करके 3-4 मिनट रोजाना करना है ये, और ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़ दीजिए इसे, ये भी 3-4 मिनट रोजाना करना है। ठीक 10वें दिन आपके चक्कर कहाँ गए आप ढूंढते रह जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, मुझे भी कभी यही हुआ था। आपको बहुत परेशानी हो जाएगी अगर डॉक्टर कभी कोई आंखें टेस्ट करा देगा, कोई दिमाग टेस्ट करा देगा, कोई कह देगा कि वो हवा का असर हो गया, कोई कह देगा जिन भूत आ गए, कोई कह देगा देवी आ गई। ये सर्वाइकल है, यहाँ नस दबी हुई है। ये एक्सरसाइज करने से 10 से 15 दिन में आराम होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, कुछ लोगों के क्या है मुंह में हमेशा छाले आ जाते हैं, तो ये जो हमारे छाले एकदम से आ जाते हैं मुंह में, इसके जो प्रमुख कारण है वो हमारा पेट है कि पेट हमारा साफ नहीं रहता है? हाँ पेट में छाले हों तो ज्यादातर मुंह में छाले होते हैं जी, लेकिन मल्टी विटामिन की कमी से भी छाले होते हैं। मल्टी विटामिन की कमी दूर करें और पेट ठीक नहीं रहता तो पेट को दुरुस्त करें, हमारे छाले ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, ये छोटे छोटे जो परेशानियां आपको हो जाती हैं, कभी आपके बाल गिरने लगते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर आपके चेहरे की रौनक चली जाती है, मुंह पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिनसे आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दर्शकों, या फिर आपके मुंह में छाले आते ही रहते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जानना होगा कि नुस्खा क्या कुछ हो सकता है और कितनी सारी चीज़ें तो आपकी ऐसी ठीक हो जाती हैं उन एक्सरसाइज से जो आपको यहाँ पे हकीम साहब बताते हैं। तो अगर आपको कोई रोग हो गया है, नुस्खे जानना चाहते हैं, यूनानी उपचार अपनाना चाहते हैं, तो करना क्या है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे है। सोनभद्र से हैं राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी मैम, सवाल करिए। हाँ जी मैडम नमस्ते। नमस्कार। हाँ ये बोल रहे थे कि हमारा वेट नहीं बढ़ता है। आपकी उम्र क्या है? उम्र वही 25-26 साल है। और वेट कितना है? वेट है वही लगभग 35 होगा, 35 किलो। ठीक है ठीक है। और देखिए छुआरा आप जानते हैं, छुआरे लीजिए 200 ग्राम, इसका पाउडर बना लीजिए ग्राइंडर में, गुठली निकाल कर अलग कर लें और पाउडर बना लें इसका 200 ग्राम छुआरे, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इसका भी पाउडर बना डालिए, ये भी रॉ मटेरियल है। अब ये जितना है इससे 2 गुने शहद में डाल दीजिए, ये एक माजून बन जाएगी। रोज़ाना 1/2 से 1 चम्मच तक दूध के साथ लिया करें, आधा चम्मच शुरू करें, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, और ज़रूरत पड़ने पर 1 चम्मच भी लिया जा सकता है। आपका वेट आपकी ज़रूरत के अनुसार होना मुमकिन है। जी उत्तम नगर से हैं सुरभि, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। सर में दर्द रहता है, सूजन रहती है सर में, भारीपन लगता है। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या? 20 साल। 20 साल। 20 साल की बच्ची, ठीक है बेटा। देखो ऐसे बैठो रोजाना मेरी तरह है, और ये आपको 3 मिनट करना है, ठीक है, और ऐसे 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 3 मिनट रोजाना करना है, और 1 ग्लास जूस पीना है आपको गाजर का। गाजर का ना मिले तो 3 चम्मच सौंफ उबाल के उसका पानी पी ले, या
सौंफ खा सकते हैं 3 चम्मच 3 टाइम में, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका रोग ठीक होना मुमकिन है।